हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हीट चेंजेस जो इन्वॉल्व होती हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसके बेसिस पर रिएक्शंस की हम दो टाइप्स लेते हैं। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड द अदर वन इज एंडोथर्मिक। सबसे पहले बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, जो रिएक्शन ऐसी हो जिसमें कि हीट आपकी बाहर निकल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उन रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, जब कार्बन ऑक्सीजन में बर्न करता है तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और इसके साथ साथ अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। अब ये जो हीट है ये आपकी प्रोड्यूस हो रही है, इस रिएक्शन में बन रही है, प्रोडक्ट साइड में हमने इसको लिखा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिथेन का। मिथेन या नेचुरल गैस CH4, जब नेचुरल गैस ऑक्सीजन में बर्न करेगी तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो भी प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। देखिए, जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तब ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के अंदर जो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी है ये हीट की फॉर्म ही है, जो हमने पहले के एग्जांपल्स में हीट लिखा, यहाँ पर हम एनर्जी लिख रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है इसीलिए रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही हम यूज करते हैं अपने सारे काम करने में, अपनी बॉडी के थ्रू हम जितने भी काम कर रहे हैं उसमें यही एनर्जी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जो मैग्नीशियम वायर है जब हम उसे ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ रिलीज होगी बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट। इसलिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन ऑक्सीजन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट हमें क्या याद रखना है, ऑल कंबस्टन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जितनी भी कंबस्टन रिएक्शंस होंगी वो सभी की सभी एक्सोथर्मिक होंगी, उन सब में हीट रिलीज होगी। अब चाहे वो कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स हो, यानी कि फ्यूल्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, वुड, कोल, केरोसिन, इन सब की जो कंबस्टन रिएक्शंस होंगी सभी एक्सोथर्मिक होंगी। और इसी तरह फूड की जो कंबस्टन रिएक्शन है यानी कि ग्लूकोज, उसकी कंबस्टन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है। दूसरा पॉइंट हम क्या ध्यान रख सकते हैं, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट और प्लस एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है हमारी, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस हीट, अगर यहाँ पर प्लस हीट हमारा प्रोडक्ट साइड पर लिखा है तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। देखिए, कई बार क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी आ सकता है, ए प्लस बी माइनस हीट गिव्स सी, तो ये भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, क्योंकि देखिए यह रिएक्टेंट साइड में क्या है, माइनस हीट, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं प्रोडक्ट साइड में तो यहाँ प्लस हीट हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस अगर हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो हमें ध्यान रखना है कि अगर प्लस हीट या प्लस एनर्जी प्रोडक्ट साइड पर है तो वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। दे आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर, लगभग 3000 डिग्री सी के टेम्परेचर पर, तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। हमने देखिए
रिएक्टेंट साइड पर प्लस हीट लिखा है इस केस में, तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को डिकम्पोज करें तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। प्लस हीट देखिए हमने रिएक्टेंट साइड पर लिखा है, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। देखिए ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। ये सब जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही वो फूड है जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो गिवन आउट। तो ये सभी जो कंडीशंस हैं ये आपकी किसकी प्रेजेंस में हो रही है? देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट जो है वो एक हीट एनर्जी की फॉर्म है जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट साइड पर ऐड हो रही है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम एक इंपॉर्टेंट नोट याद रख सकते हैं, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगी वो सब एंडोथर्मिक ही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट और प्लस एनर्जी ऑन द रिएक्टेंट साइड। देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और उसके साथ हमने प्लस हीट लिखा और प्रोडक्ट में हमें सी मिला है, तो ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक होगी क्योंकि इसमें हीट जो है हमने रिएक्टेंट साइड पर मेंशन की है। तो ये था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। और लास्ट में मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।